फ्रेंड्स, आज ब्लाउज की फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये ब्लाउज 34 साइज पे बनेगा, 1 टक्स पे। इसके अकॉर्डिंग ही हम कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, तो मैं मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। तो पहले लेंथ का निशान लगाएंगे, लेंथ है 15 इंच, जितना भी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करते हुए लेंगे। ब्लाउज बोट नेक पे है, तो बोट नेक के अकॉर्डिंग ही हम शोल्डर और आर्म होल लेंगे। शोल्डर लेंगे 7 इंच, 7 इंच, आर्म होल लेंगे 7 इंच। ये ब्लाउज 34 साइज पे है, 34 साइज पे, तो इसी के अकॉर्डिंग हम चेस्ट लेंगे। चेस्ट का 1/4 लेंगे, 8.5 इंच। 1.5 से 2 इंच मार्जिन के लिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच मार्जिन के लिए ले रही हूँ। अब हम वेस्ट का निशान लगा लेंगे, वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, वेस्ट है 28 इंच, 4th पार्ट लेंगे 7 इंच, 7 इंच, 1 इंच, 1 इंच टक्स के लिए, और 1.5 से 2 इंच या फिर 2.5 इंच मार्जिन के लिए। आर्म होल पे 1 इंच पे गहराई दे देंगे। फ्रंट पार्ट में हम आर्म होल की गहराई ज़्यादा देते हैं, तो आर्म होल की गहराई हम बाद में करेंगे। तो अब हम नेक विड्थ का निशान लगा लेंगे, नेक विड्थ लेंगे 3.5 इंच, नेक लेंथ लेंगे 3.5 इंच, और इसे इस तरह से नेक को मिला देंगे और इस पर बोट नेक का शेप दे देंगे। और बोट नेक ब्लाउज पे शोल्डर 1/2 इंच का डाउन करना होता है, तो इस तरह से हम 1/2 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस पर एज इट इज अब हम कटिंग कर लेंगे। और इसी तरह से अब हम नेक पर कटिंग कर लेंगे और अब मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लेना है। और अब हम टक्स का निशान लगाएंगे, तो विड्थ में हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और टक्स पॉइंट 10 इंच रखेंगे, 10 इंच। निशान को हम नीचे से इस तरह से मिला देंगे और निशान के दोनों तरफ 1/2 इंच पर निशान लगा लेंगे। अगर कटोरी का उभार थोड़ा ज़्यादा लाना चाहते हो तो आप जो हमने निशान लगाया है दोनों तरफ 1/2 इंच का, तो 0.25 इंच पर निशान को लगा सकते हैं, तब हमारा ये जो शेप है वो ज़्यादा उभार आएगा। और इसी तरह से देखिए दूसरे तरफ भी मैंने निशान को लगा लिया है। अब निशान पे थोड़े से इस तरह से कट लगा लेंगे फोल्ड करते हुए, ताकि सिलाई करते वक्त हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, पता रहे। और अब आर्म होल पे गहराई दे देंगे, आर्म होल पे 0.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और निशान को हम ऊपर तक मिला देंगे और आर्म होल का शेप कर देंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे, तो बैक पार्ट की कटिंग भी हम सेम फ्रंट पार्ट के कटिंग के जैसे ही करेंगे। जितना हमने फ्रंट पार्ट में लेंथ, शोल्डर और आर्म होल लिया है, चेस्ट वेस्ट लिया है, उतना ही हम बैक पार्ट में भी लेंगे। तो फ्रंट पार्ट के अनुसार ही मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर लिया है। लेंथ 15 इंच रखा है, शोल्डर 7 इंच रखा है, आर्म होल भी मैंने 7 इंच रखा है, चेस्ट का 1/4 मैंने रखा है 8.5 इंच, 2.5 इंच मार्जिन के लिए, वेस्ट का 1/4, 7 इंच, 1 इंच टक्स के लिए, 2.5 इंच मार्जिन के लिए। नेक विड्थ का निशान लगाएंगे, नेक विड्थ लेंगे 4 इंच, नेक लेंथ लेंगे 11 इंच, 11 इंच टोटल नेक लेंथ मैंने यहाँ पर 11 इंच रखा है। और ये ब्लाउज वी शेप में बनेगा, तो इस तरह से वी शेप दे देना है। और वी शेप देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा राउंड कर दिया है, थोड़ा ब्रॉड होने के लिए, क्योंकि जब हम स्केल से डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं तो वो शेप थोड़ा हमारा छोटा बनता है, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा ब्रॉड करने के लिए हल्का राउंड में कर दिया है। सिलने के बाद ये शेप बिल्कुल वी शेप में ही आ जाता है। और अब शोल्डर को डाउन कर लेंगे 1/2 इंच तक इस तरह से। तो ये हमारी फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हमने कर लिया है। अब देखिए फ्रंट पार्ट की हम स्टिचिंग करेंगे, तो फ्रंट पार्ट का मेन फैब्रिक जो है इसकी राइट साइड नीचे की तरफ करेंगे, रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे और ऊपर से अस्तर वाले पार्ट को रखते हुए अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे और पिनअप कर लेंगे। चारों तरफ मैंने पिनअप कर लिया है। अब दोनों फैब्रिक को सिलाई करके ज्वाइंट कर लेंगे। ये ब्लाउज हम किसी भी शेप में बना सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर 1 टक्स के अनुसार बनाया है, तो आप चाहे तो आप इस पर प्रिंसेस कट या फिर कटोरी ब्लाउज या फिर 4 टक्स ब्लाउज पे आप ये ब्लाउज बना सकते हो। तो ये हमारे ब्लाउज की स्टिचिंग हमने कर दिया है। साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को चारों तरफ हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को देखिए मैंने चारों तरफ कट कर लिया है। अब टक्स की स्टिचिंग करेंगे, तो सेंटर से जो हमने निशान लगाया है इस पर पहले सिलाई करेंगे। इसी तरह दूसरे वाले टक्स पर भी सिलाई करेंगे। सेंटर पर सिलाई करने के बाद जब हम टक्स का स्टिचिंग करते हैं तो उसका फिनिशिंग अच्छे से आता है, इसलिए सेंटर से फोल्ड करना होता है। नहीं तो क्या होता है, जब हम सेंटर से फोल्ड करते हैं तो जो हमारा मेन फैब्रिक है वो अच्छा से बैठता नहीं है, बाहर की तरफ निकल जाता है। इसलिए दोनों फैब्रिक को सेंटर से पहले सिलाई करने के बाद हम टक्स की स्टिचिंग करते हैं तो इसका फिनिशिंग काफ़ी अच्छे से आ जाता है। दोनों तरफ टक्स लग चुकी है और इस पर मैंने डबल सिलाई भी कर लिया है। अब हम नेक की फिनिशिंग करेंगे, तो हमें लेना है क्रॉस पट्टी। 1.5 इंच चौड़ी मैंने क्रॉस पट्टी ली है, 1.5 से 2 इंच, और ऊपर से हम क्रॉस पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और सिलाई कर लेंगे।
छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन अगर ज़्यादा हो तो इसे कट कर लेंगे। अब देखिए पट्टी को हम इस तरफ दूसरे तरफ पलटेंगे और पट्टी को ऊपर से एक सिलाई कर लेंगे। और अब पट्टी को दूसरे तरफ पलटते हुए चाहे तो आप इस पर डायरेक्ट तुरपाई कर सकते हो, अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस पर रफ स्टिच कर लूँगी। तो नेक की फिनिशिंग हमने कर दिया है, अब हम ब्लाउज पे कमर पट्टी लगाएंगे। तो नीचे की तरफ हमें 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी ले लेनी है। कमर पट्टी को ऊपर की तरफ रखते हुए पहले सिलाई करेंगे, एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और अब पट्टी को इस तरह पलटते हुए ऊपर से एक सिलाई कर लेंगे पट्टी को ऊपर से। और अब पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए इस पर हम रफ स्टिच लगा लेंगे ताकि हम बाद में इस पर तुरपाई कर सकें। तो हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग कर लिया है और इसका पफ देखिए काफ़ी अच्छा आया है। अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेंगे और अब हम लेंगे पेपर पेस्टिंग। डबल फोल्ड करते हुए पेपर पेस्टिंग को नेक के तरफ हम इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और इस पर एज इट इज़ कटिंग करेंगे। तो पहले पिनअप कर लेना है ताकि जो हमारा पेपर पेस्टिंग है वो इधर उधर ना हो। और इस पर देखिए एज इट इज़ कटिंग कर लिया है मैंने, साइड से 1 इंच या फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लेंगे। अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर पेपर पेस्टिंग को अच्छे से रखते हुए इस पर प्रेस लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रेस स्टिच मैंने कर लिया है। अब मेन फैब्रिक का राइट साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे और ऊपर से हम अस्तर वाले फैब्रिक को रखते हुए नेक पर स्टिचिंग करेंगे। पहले अच्छे से पिनअप कर लेना है और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे नेक पर सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई लग चुकी है, अब सेंटर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देंगे और पूरे नेक पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि जो हमारा ये नेक है दूसरे तरफ पलटने के बाद इसका फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। और अब अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरफ पलटेंगे और नाखून से अच्छे से इस पर क्रीज बना लेंगे ताकि जो नेक है वो अच्छे से दूसरे तरफ पलट जाए फिनिशिंग के साथ। और अब देखिए अस्तर वाले फैब्रिक को दूसरे तरफ मैंने पलट लिया है, हाथ से अच्छे से इसे प्रेस कर लिया है और अब नेक पर स्टिच कर लेंगे। ऊपर से मैंने टॉप स्टिच लगा लिया है। अब दोनों फैब्रिक को साइड से अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे और पूरे फैब्रिक को सिलाई करके दोनों फैब्रिक को जॉइंट कर लेंगे। दोनों फैब्रिक को सिलाई करके मैंने जॉइंट कर लिया है। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे चारों तरफ। तो देखिए साइड से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब सेंटर से फोल्ड करते हुए सेंटर पर निशान लगाएंगे और सेंटर से इसे कट कर देंगे। ब्लाउज बैक ओपन है इसलिए हम सेंटर से इसे कट करेंगे और इस पर अब हम आई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच चौड़ी मैंने आई की पट्टी ली है और नीचे की तरफ रखते हुए इसे सिलाई कर लिया है। ऊपर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और साइड से अपने तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई कर लेंगे। और अब पट्टी को दूसरे तरफ इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई कर लेंगे और चारों तरफ इसे सिलाई करके पक्का कर लेंगे। तो ये हमारी आई की पट्टी लग चुकी है, अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे। दूसरे वाले पार्ट को लेना है और पट्टी को ऊपर की तरफ रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। पट्टी को दूसरे तरफ पलटते हुए ऊपर से एक सिलाई करेंगे और इस तरफ हम डबल फोल्ड कर लेंगे इसे और इसे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करके इसे पक्का कर लेंगे। तो ये हमारी हुक की पट्टी बन चुकी है, एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। अब ब्लाउज के दोनों पार्ट को मिलाते हुए रखेंगे और नीचे से चेक करेंगे, अगर कोई भी पार्ट बड़ा छोटा हो तो उसे कट करके सीधा कर लेंगे। और अब टक्स की स्टिचिंग करेंगे। तो सेंटर से फोल्ड करते हुए हम टक्स की स्टिचिंग कर लेंगे इसी और इस पर आप कमर पट्टी लगा लेंगे। तो 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी लेंगे और सामने की तरफ 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है फोल्ड करने के लिए। कमर पट्टी को इस तरफ पलटते हुए ऊपर से एक स्टिच करेंगे और अब डबल फोल्ड करते हुए कमर पट्टी पर रफ स्टिच लगा लेंगे ताकि इस पर हम बाद में तुरपाई कर सकें। और सामने की तरफ देखिए फोल्ड कर लेंगे फिनिशिंग के लिए। तो इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी टक्स की स्टिचिंग कर लेना है और कमर पट्टी लगा लेना है। तो दोनों पार्ट को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब डिज़ाइन के लिए हम एक पट्टी लेंगे। पट्टी का विड्थ 6 इंच है, 6 इंच और लेंथ 9 इंच रखना है, 9 इंच। फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और चारों साइड से सिलाई कर लेंगे इसे। और अब देखिए कॉर्नर पे कट लगा लेंगे और इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और कट लगा लेंगे ताकि इसे हम पलट सके। अब किसी चीज़ की मदद से हम इसे पलट लेंगे। तो अच्छे से पलट लेना है और कॉर्नर को भी अच्छे से बाहर की तरफ निकाल देना है फिनिशिंग के साथ। तो ये देखिए पट्टी को हमने अच्छे से पलट लिया है। अब चारों साइड इस पर सिलाई लगाकर हम इसे पक्का कर लेंगे। तो चारों तरफ मैंने सिलाई लगा लिया है, एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे।
और अब पट्टी को सेंटर में बराबर में फोल्ड करेंगे और चौक से निशान लगाएंगे और सेंटर से मिलाते हुए इस पर हम छोटे छोटे प्लीट्स डाल लेंगे और हैंड स्टिच करते हुए इस पर सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी बो बन चुकी है। अब इसे हम साइड करते हैं। अब इसके लटकन के लिए हम एक पट्टी लेंगे, तो पट्टी को डबल फोल्ड करके रखेंगे और इसे इस तरह से हम कुछ शेप देते हुए कट कर लेंगे। डबल फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे और साइड से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और अब किसी चीज़ की मदद से हम इसे सीधा कर लेंगे और कॉर्नर को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो दो पट्टी मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है और बैक पार्ट की हुक वाली पार्ट को हमें लेना है और इन दोनों पार्ट को हम एक के ऊपर एक रखते हुए स्टिच करके इसे जॉइंट कर लेंगे और ब्लाउज वाले पार्ट के ऊपर हम इसे अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे और सिलाई करके इसे पक्का कर लेंगे और इसके ऊपर अब हम बो वाले पार्ट को अच्छे से रखते हुए सिलाई करके इसे जॉइंट कर लेंगे और इसके ऊपर हम कोई भी सो बटन या फिर कोई भी बटन हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कपड़े वाले बटन को बनाया है तो इस पर मैं अटैच कर लूँगी इसे। तो ये देखिए, मैंने इस पर अटैच कर लिया है। तो ये ब्लाउज के बैक पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को सिलाई करके जॉइंट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को ऊपर हम बैक पार्ट को अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे और ये जो हमने हुक वाला पट्टी बनाया है यहाँ पर हम पिन कोई भी पिन लगाकर इसे भी फिलहाल के लिए हम इसे जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए, शोल्डर जॉइंट करेंगे तो दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे और शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे। इसी तरह दूसरे शोल्डर को भी जॉइंट कर लेना है। तो देखिए, दोनों तरफ मैंने और अब आर्म होल की तरफ चेक कर लेना है। अगर कपड़ा बड़ा छोटा हो तो इसे कट करके सीधा कर ले। तो दोनों तरफ देखिए, मैंने अच्छे से इसे सीधा कर लिया है और अब दोनों फैब्रिक को अच्छे से मिलाते हुए इस तरह से रख लेना है और आर्म होल के साइड अच्छे से चेक कर लेना है। तो इस तरह से देखिए, आर्म होल के साइड अच्छे से चेक कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो इसी तरह से दूसरे साइड भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे, इसे बराबर कर लेंगे। तो दोनों तरफ देखिए, मैंने बराबर कर लिया है और ये ब्लाउज मैं स्लीवलेस बना रही हूँ। अगर आप चाहे तो इस पर स्लीव भी लगा सकते हो, तो इसे मैं स्लीवलेस ही रखने वाली हूँ। तो इसके लिए आर्महोल पे फिनिशिंग के लिए हम इस पर क्रॉस पट्टी लगाएंगे। तो 1.5 से 2 इंच मैंने क्रॉस पट्टी ली है। अच्छे से क्रॉस पट्टी को सिलाई करके जॉइंट कर लिया है और इसे डबल फोल्ड करके रखेंगे ऊपर की तरफ और सिलाई करके इसे जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए, पूरे आर्म होल पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़्यादा है तो इसे कट करके सीधा कर लेंगे। अब देखिए, जैसे हमने नेक का फिनिशिंग किया था उसी तरह से हम आर्म होल पर इसका फिनिशिंग कर देंगे। पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर 6 स्टिच कर लेना है और अब देखिए, पट्टी को दूसरे तरफ उल्टे तरफ फोल्ड करते हुए इस पर चाहे तो आप डायरेक्ट तुरपाई कर सकते हैं। अब फिलहाल के लिए मैं इस पर रफ स्टिच लगा ले रही हूँ। तो ये देखिए, आर्म होल के साइड हमारा फिनिशिंग हो चुका है। इसी तरह दूसरे आर्म होल को भी मैंने अच्छे से स्टिच कर लिया है और अब ब्लाउज के दोनों पार्ट को अच्छे से बराबर में मिलाते हुए रखेंगे और साइड से हम इसे पहले सिलाई करेंगे सीधी तरफ करते हुए। इसी तरह दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेंगे। सीधी तरफ करते हुए दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसे उल्टा कर लेंगे, अच्छे से बराबर में इसे मिला लेंगे और साइड से एक स्टिच और करेंगे इस तरह से। कॉर्नर पर सिलाई करेंगे बिल्कुल इसी तरह, दूसरे साइड भी सिलाई करेंगे। अब देखिए, चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट का मेज़र करते हुए हम इस पर निशान लगा लेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट 8.5 इंच और वेस्ट का 4th पार्ट 7 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे। दोनों तरफ निशान को लगा लेंगे और फिटिंग का सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ देखिए, फिटिंग की सिलाई मैंने लगा दिया है। अब इसे सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी ब्लाउज डिज़ाइन बनके कंप्लीट है। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है पर बहुत ही सुंदर लगता है ये डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लाउज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी।